एक बार फिर पाकिस्तान ऐसी गलती करने जा रहा है जिसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा और इसके परिणाम से वो खुद भी वाकिफ है, क्योंकि ये गलती वो पहली बार नहीं कर रहा है। जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान अपना एयरफोर्स पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के लिए अपना एयरफोर्स पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने 140 दिन तक अपना एयरफोर्स एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लगभग 688 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी उसने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली और लगातार ऐसी गलतियां किए जा रहा है जिसका खामियाजा उसी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चरमराई अर्थव्यवस्था के कारण आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, महंगाई इतनी कि लोग झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर राग अलाप रहे हैं। दुनिया ने तो आईना दिखा दिया, कोई देश नहीं आया समर्थन में, लेकिन फिर भी कंगाल पाकिस्तान की मौजूदा सरकार लगातार अपने फैसलों से देश को गर्त में ढकेलती जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की बौखलाहट में पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो वहां की जनता को भुखमरी से उभारने में कारगर साबित हो। वो तो लगे हैं बस कश्मीर राग अलापने में, यूएन तक घूम आए लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ना दिखी। हर एक देश ने भारत का समर्थन किया, पाकिस्तान को किसी भी देश ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाने पर तुला हुआ है और पाकिस्तान के नेता लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो अपने संबोधन के दौरान भारत को परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली थी। बताते चले कि भारत सरकार के कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को पूरी दुनिया का समर्थन मिला हुआ है। पाकिस्तान की अपील पर भी कोई देश मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को पटकनी देते हुए मुसलमान देशों का भी समर्थन प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।